द चैप्टर इज़ इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स काफ़ी कॉमन क्रिएटर्स होता है घर में हम लोगों को दिखते रहता है जैसे मॉस्क्यूटो बटरफ्लाई और भी एग्जाम्पल्स so, है हाउस फ्लाईज सो इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ अर्थ में इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा है मिलियंस ऑफ काइंड ऑफ इंसेक्ट्स अर्थ में मिलता है ग्रासहापर बीटल्स बीस सब कुछ इसी का एग्जाम्पल है अलग अलग इंसेक्ट का साइज शेप कलर अलग अलग होता है इंसेक्ट्स का मेन फीचर्स क्या है इनके बॉडी में बोन्स नहीं होता है सो दे डू नॉट हैव बोन्स इंसेक्ट्स हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स इस तरह से सिक्स लेग्स होता है तो थ्री पेयर्स बोल सकते हैं मेनी ऑफ देम हैंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई ये वर्ड थोड़ा लर्न करना होगा मेम्बरस तो ये जो एकदम पतला पतला सा विंग्स होता है ना तो एक पेयर ऑफ विंग्स होता है जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करता है इंसेक्ट ज़्यादातर ओपन एरिया में गार्डन वगैरह में देखने को मिलता है फ्लावर के आसपास फ्रेश फ्लावर का स्मेल इनको अट्रैक्ट करता है फ्लावर का कलरफुल पेटल्स इनको अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाई हनी बीज बम्बल बीज ये सब फ्लावर्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं तो पॉलीनेशन क्या होता है देखा करो फ्लावर में येलो येलो कलर का डॉट 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 होता है पॉड बॉल्स uh, के जैसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है हिबिस्कस जो फ्लावर आता है ना घर में पूजा के लिए उसमें तो वो बहुत अच्छे से देखने को मिलता है तो उसको पोलिन ग्रेन्स बोलते हैं तो इंसेक्ट्स जब एक फूल सपोज ये बटरफ्लाई है ये अभी इस फूल के ऊपर बैठी है तो इसके बॉडी में वो पॉलिन ग्रेन्स चिपक जाएगा लेग्स में विंग्स में फिर जब ये दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठेगी तो पोलिन ग्रेन्स उसके ऊपर गिर जाएगा तो इस तरह से पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर हुआ ना इसी को पॉलिनेशन बोलते हैं सो व्हाट इज पॉलिनेशन तो उसका डेफिनेशन वहां से लिखेंगे द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड पॉलिनेशन ये प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होता है इंसेक्ट्स जैसे बीज एंड्स, टर्माइट्स ये सब कॉलोनीज में रहती है कभी अकेले ज़्यादातर नहीं मिलती है तो उनको बोलते हैं सोशल इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स बहुत यूजफुल भी होता है जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे हनी बी तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस वाई बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस हनी एंड बी वैक्स तो हनी बीज कहाँ मिलते हैं ट्रीज में रूफ्स में छत वगैरह में देखा जाता है बी हाइव बना हुआ रहता है बहुत बार आसपास फ्लावर होगा या पेड़ होगा तो वहां पर बी हाइव होगा स्वीट स्मेल फ्लावर का इनको अट्रैक्ट करता है फ्लावर में एक लिक्विड होता है जिसको नेक्टर बोलते हैं वो हनी बी का खाना होता है इसी वजह से वो लोग फ्लावर के आसपास घूमते रहते हैं हनी बीज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कैरी इट टू हाइव वेयर दे लिव नेक्टर सक करके वो लोग अपने बी हाइव तक लेकर जाता है बी हाइव इस तरह से देखो सिक्स साइडेड स्ट्रक्चर होता है इसमें छह स्ट्रक्चर छह लाइन का ये होता है तो इस तरह का कोम हनी कोम बोलते हैं इसको और बीहाइव कंजिस्ट ऑफ सिक्स साइडेड चेम्बर्स कॉल्ड कोम्स हनी भी इसी कोम में अपना नेक्टर को स्टोर करती है और वो नेक्टर धीरे धीरे हनी में कन्वर्ट हो जाता है फिर जब बहुत बड़ा बड़ा इस तरह से छत्ता बोलते हैं जिसको हिंदी में जब हनी कोम बहुत बड़ा हो जाता है बीहाइव तो बहुत लोगों को यहाँ से हनी कलेक्ट करना आता है वो लोग क्या करते हैं पहले बी हाइव के नीचे आग लगाते हैं तो हीट और स्मोक से सारी मधुमक्खी वहां से हट जाती है उसके बाद छत्ता को तोड़ देते हैं और उसमें से जो लिक्विड निकलता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं सो so ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आएगा हाउ इज हनी कलेक्टेड फ्रॉम अ बी हाइव तो हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम अ बी हाइव बाई लाइटिंग अ फायर अंडर इट हीट एंड स्मोक ड्राइव्स द बीज आउट ऑफ द हाई हाइव The honey collectors then remove the hive and collect the honey stored in it. बड़ा बड़ा जो हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता उसमें 50,000 से 80,000 वर्कर बीज होती है बीज में भी है ना अलग अलग टाइप का होता है जैसे जो बहुत ज्यादा काम करने वाला होता है जो बार बार नेक्टर ला ला के जमा कर रहा है उसको बोलते हैं वर्कर बीज फिर कुछ उसमें से मेल बीज होते हैं उसको बोलते हैं ड्रोन्स और जो सब में से हेड होती है एक ही बी उसको बोलते हैं क्वीन बी तो हर एक हनी हर एक बी हाइफ में सिर्फ एक ही हेड होती है तो एक ही क्वीन बी होती है तो हम लोगों को समझ में आया कि हनी भी इम्पोर्टेंट क्यों है फिर ये जो हनी मिलता है इससे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनता है और ये काफ़ी मेडिसिन में भी काम आता है नेक्स्ट यूजफुल इंसेक्ट है सिल्क मॉथ इस तरह का देखने को में होता है सिल्क मौत से हम लोगों को सिल्क मिलता है और सिल्क से कपड़ा बनता है सिल्क मौत के लिए खाना होता है मलबेरी लीव्स जैसे हनी बी के लिए था नेक्टर वैसे सिल्क मौत के लिए होता है मलबेरी लीव्स तो इनको मलबेरी लीव्स खिलाया जाता है ये लोग मुंह से अपने माउथ से एक लिक्विड से करते हैं मतलब निकालते हैं एक लिक्विड फिर वो हवा के कॉन्टैक्ट में आने से वो थ्रेड बन जाता है तो ये मौत क्या करता है अपने आसपास एक ककून के जैसा बना लेता है मतलब अपने आप को पूरा उस धागा से कवर कर लेता है तो एक बॉल टाइप का बन जाता है उसको ककून बोलते हैं तो कलेक्टर्स क्या करते हैं यही ककून को कलेक्ट करते हैं उसमें से फिर सिल्क मौत को निकालते हैं और वो ककून को रख लेते हैं उससे सिल्क बनता है फिर एक होता है लैक इंसेक्ट्स ये सब बैनियन ट्री में ग्रो करता है वो लोग भी अपने मुंह से एक लिक्विड निकालता है सेमी लिक्विड मतलब वो पानी के जैसा एकदम बहता नहीं है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो एक सेमी लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिसको लैक बोलते हैं लैक किस काम में आता है पेंट्स बनाने में वॉर्निश बनाने में इनफैक्ट बैंगल्स चूड़ी के अंदर भी वो डलता है लेडी बर्ड बीटल इट ईट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट दैट आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स पेस्ट्स मतलब वो इंसेक्ट्स होता है जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल है तो लेडी बर्ड बीटल क्या करती है उस टाइप के पेस्ट्स को खा लेती है तो वो यूजफुल हुआ ना सेरिक एपीकल्चर किसको बोलते हैं रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ हनी बीज फॉर कलेक्शन ऑफ हनी जो फार्मर्स हनी बी को कलेक्ट करते हैं अपने फार्म में हनी कलेक्ट करने के लिए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एपीकल्चर जैसे एग्रीकल्चर होता है ना क्रॉप्स के लिए वैसे रियरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर और सिल्क मॉथ को पालना उसको बोलते हैं सेरीकल्चर तो ये सारा हम लोग यूजफुल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ें अब कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो इंसेक्ट्स की वजह से डिजीज स्प्रेड होता है इसके बारे में हम लोगों को ऑलरेडी पता है तो एक एग्जाम्पल उसमें हाउस फ्लाइज हाउस फ्लाइज अगर किसी गार्बेज में किसी कचरे के ढेर पर बैठ रहा है फिर वो आकर उड़ के हम लोग के खाना में बैठ जा रहा है या हम लोगों के ऊपर बैठ रहा है तो जब कचरा के ऊपर वो बैठा उसके बॉडी में पूरा जर्म्स लग गया अब वही जर्म्स हम लोगों के फूड और हम लोगों के स्किन में ट्रांसफ़र हो रहा है इस तरह से डिजीज़ ट्रांसफ़र होता है अगर खाना के ऊपर बैठ गया तो फिर वो खाना कंटेमिनेट हो जाएगा गंदा हो जाएगा डायरिया कॉलेरा जॉन्डिस इस तरह का डिजीज़ होता है हाउस फ्लाइज से इसीलिए बिना ढका हुआ खाना हम लोगों को नहीं खाना चाहिए फिर मॉस्किटो से बहुत सारा डिजीज़ होता है मच्छर के काटने से जैसे मलेरिया डेंगू कैसे होता है सपोज़ किसी इंसान को मलेरिया हो रखा है तो अगर उसको मच्छर काट रहा है तो उस मॉस्किटो के अंदर वो इन्फेक्टेड ब्लड आ जाएगा उसके बाद वो मच्छर अगर वो मॉस्किटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को काट रहा है तो हेल्दी पर्सन में फिर वो इन्फेक्टेड ब्लड चला जा रहा है ना इस वजह से जर्म्स ट्रांसफ़र हो जा रहा है दस मॉस्किटो कॉजेज डिजीजेस प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं मॉस्किटो नेट्स यूज करना चाहिए ऑल आउट यूज करना चाहिए अगर पार्क वगैरह में शाम को जा रहे हैं तो फुल कपड़ा पहनना चाहिए यहाँ पर लिखा है कि लेकिन हर मच्छर के काटने से डिजीज नहीं होता है मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो ये जो टर्म्स है ना ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा लिख लिख के एनोफिलीज मॉस्क्यूटो उसी तरह से डेंगू, एड्स मॉस्किटो के काटने से होता है कुछ कुछ इंसेक्ट्स होता है जिनके पास विंग्स नहीं होता है जैसे देखो यहाँ दिख रहा है हेड लाइस बाल में जो जू होता है ना उसको बोलते हैं बेड बग ये ना बेड में होता है हम लोगों को दिखता नहीं है ऐसे जल्दी इतना डॉग फ्ली कैट फ्ली ये सब तो जो इंसेक्ट्स इस तरह से उड़ नहीं सकते हैं उनको फ्लीज बोलते हैं फ्लीज फाउंड ऑन रोडेंट्स लाइक कैट्स लाइक रैट्स कैन स्प्रेड अ वेरी डेंजरस डिजीज नोन एज द ब्यूबॉनिक प्लेग रैट्स में जो फ्लीज मिलते हैं उससे बहुत भयंकर बीमारी फैलता है जिसको बोलते हैं ब्यूबोनिक प्लेग इसीलिए आसपास साफ सफाई रखना हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है तो ये एक टाइप का हुआ हार्मफुल इंसेक्ट जो डिजीज स्प्रेड कर रहा था फिर दूसरा हार्मफुल इंसेक्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टिंगिंग इंसेक्ट्स उसके काटने से जलन होता है कोई डिजीज नहीं फैलेगा लेकिन बहुत जलन होगा जिसे हनी बी हनी बी के काटने से बहुत जलन होता है ना उसी तरह से वॉस्प के काटने से भी होता है तो ऐसा क्या होता है उनके बॉडी में देखो पीछे में इस तरह से एक स्टिंग होता है तो वो डंक बोलते हैं हिंदी में तो वो लोग जब हम लोगों की स्किन के ऊपर बैठते हैं यही चीज अंदर घुस जाता है तो अस्टिंग इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द इंसेक्ट उसके अंदर पॉइजन रहता है और एसिड रहता है तो जब ये हम लोगों के स्किन में आता है तो उससे दर्द भी होता है स्किन रेड हो जाता है फिर बर्निंग सा लगता है वहां पर लग रहा है स्किन जल रहा है तो इस टाइप के इंसेक्ट को बोलते हैं स्टिंगिंग इंसेक्ट्स स्पाइडर एंड इट्स वेब स्पाइडर एक इंसेक्ट नहीं है क्योंकि उसके पास एट लेग्स है और इंसेक्ट्स के पास तो सिक्स होता है वो दूसरे दूसरे इंसेक्ट्स को खाता है अपना खाना बनाने के लिए खाने के लिए तो किस तरह से वो क्या करता है उसके मुंह से एक लिक्विड निकलता है जिससे वो अपना पूरा वेब बना लेता है फिर उस वेब में जो इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है उसको वो खा लेता है हम लोग अपने आप को इंसेक्ट से कैसे बचा सकते हैं तो फार्म में केमिकल्स यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स बोलते हैं तो इंसेक्टिसाइड्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो इंसेक्ट को मार देगा हम लोग क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए कपड़ा वगैरह में नीम लीव्स रख सकते हैं क्योंकि नीम लीव्स से इंसेक्ट्स दूर रहता है फर्नीचर को कैरोसिन ऑयल से पोच सकते हैं उससे भी इंसेक्ट दूर रहता है फार्मर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए तो इस तरह से हार्मफुल इंसेक्ट्स मर जाता है तो हम लोग इस चैप्टर में इंसेक्ट्स का फीचर्स पढ़े और ये भी पढ़े कि कुछ इंसेक्ट्स यूजफुल होता है और कुछ हार्मफुल होता है